हे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज हमारे घर में ये नए डॉग का दूसरा दिन है और आज मैं आपको बताऊंगा इसका नाम क्या डिसाइड हमने किया है। इसका नाम हमने डिसाइड किया है रॉक्सी, क्योंकि हमारे घर वालों ने भी और हमारे कुछ फ्रेंड्स ने भी सजेशन दिया कि आप इसका नाम रॉक्सी रख लीजिए, क्योंकि वो हमारे यूट्यूब टर्म्स के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लकी है। तो अभी चलिए दिखाते हैं आपको रॉक्सी क्या कर रही है और पूरे दिन का शेड्यूल कैसा रहता है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, अप्रॉक्स अभी 6:30 बज रहे होंगे। अभी ये रॉक्सी ऊपर घूमने के लिए आई है और नो, चलो देखो ये सारी सिम्टम्स हैं आपके डॉग को। अगर पेट में कीड़े हैं तो वो इस तरीके का सिम्टम्स दिखाएगा, कुछ गंदगी पूरे दिन खाते रहेगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इसके बॉडी में कीड़े आ चुके हैं। इसके लिए आपको डिवॉर्मिंग करना होता है, तो आज हम इसका डिवॉर्मिंग भी करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इसके आए हुए दो दिन हो गए अप्रॉक्स, तो आप ये हमारे यहाँ यूज़ टू हो गई। चलो आ जाओ, तो अब हम इसकी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं और प्रॉपर एक्टिव भी है ये। नो, चलो, ये देखिए, यही रीज़न है लोग बीगल सब लोग मैनेज नहीं कर पाते। लेने का तो सब ले सकते हैं बट मैनेज नहीं। देखिए इसका अट्रैक्शन चप्पल की ओर कैसे, ये देखिए। तो अगर आपका डॉग एक्टिव दिख रहा हो, क्योंकि बीगल एक ऐसा ब्रीड है कि अगर थोड़ा सा भी सुस्त हुआ, समझ लीजिए बीमार हुआ, उस समय में आप डिवॉर्मिंग मत कीजिए, क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस आएगा और भी बीमार हो जाएगा। अच्छा 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 रॉक्सी 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 रॉक्सी। अब मैं बताऊंगा कि किसी भी डॉग को नेम ट्रेनिंग कैसे दे, किस तरीके से आप उसके नाम को लेंगे तो वो आपको पहचानने लगेगी। तो देखिए ये फीमेल है, तो अब इसको मैं कैसे सिखाता हूँ, ये देखिए जैसे ये दूर है, आपको क्या करना है, इसके मन पसंदीदा चीज़ को लेना है। ये मैंने लिया आलू। रॉक्सी आ जाओ, रॉक्सी कम हियर रॉक्सी। इसी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि पी एंड पॉटी ट्रेनिंग कैसे देना है, क्योंकि छोटे बच्चे जब घर में आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वो हर हमेशा पॉटी करते हैं, हर हमेशा शुसू करते हैं, जिस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और घर वाले 5-10 दिन में ही उसको हटाने के लिए बोलते हैं। एक और दूसरा बहुत बड़ा इशू होता है कि आपका डॉग रोता बहुत है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जिस दिन आई है उस दिन से अभी तक एक बार भी नहीं रोई है, सिर्फ तब दो दिन इसके आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार भी नहीं रोई है। उसका रीज़न है कि आप उसको शाम में किस तरीके का मतलब एक्टिविटी करवाते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर उसका एनर्जी स्टोर रहेगा तो पूरी रात कोशिश करेगी खेलते रहने के लिए, कूदने रहने के लिए। इसके लिए आपको इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आज पूरे ब्लॉग में मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। ये देखिए क्या हो गया, ये देखिए पूछ काट रही है, इसका मतलब कि इसके पेट में कीड़े हैं और कीड़ा होना जायज़ भी है, क्योंकि इसके बॉडी का वेट भी नहीं बढ़ रहा है। मैं जब से लाया हूँ देख रहा हूँ कि बॉडी वेट वैसे ही कंटिन्यू, देखिए कुछ ना कुछ खाते रहिए हर हमेशा, या तो अपने पूछ को काटेगी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं आपके डॉग, ये देखिए किस तरीके से कर रही है। इसका मतलब सीधे समझ जाइए, ज़्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं, इसके पेट में कीड़े हैं। अब इसका बॉडी वेट कीजिए और इसको तुरंत को भी डिवॉर्मर दे दीजिए। अब देखिए मैं डिवॉर्मर एक लेके आया हूँ और इसको मैं दे के आपको बताता हूँ किस तरीके से डिवॉर्मर डॉग को देना है। दोस्तों ये है इसका डिवॉर्मिंग सिरप जो कि मैं कल लेके आया था, और ये देखिए उसका, ये देखो। अच्छा, ले ये थे। तो आज हम इसका डिवॉर्मिंग करेंगे और देखेंगे कि कितना जल्द से जल्द इसका इसके पेट का जो भी कीड़ा है वो सब मर जाए। तो इसका 1 आवर्स हो गया, पूरा 1 घंटे हो गए इसको डिवॉर्मिंग सिरप दिए हुए, तो अब इसको हम खाना दे देते हैं। थोड़ा सा हाइट पर खाना देना चाहिए ताकि इसका हाइट जो है वो धीरे धीरे बढ़ते रहे। इस ब्रीड की एक और प्रॉब्लम है कि इसका जो कान होता है वो इसके खाना खिलाने के बाद इसके कान को पोछना पड़ेगा, साफ करना। इसने अपना पूरा खाना कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए पूरा कंप्लीट है। डिवॉर्मिंग के 1 घंटे हो गए थे, अब हो सकता है दिन में वॉमिटिंग करे या लूज मोशन करे, तो उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। आ जाओ इधर। बस ये कि छोटे बच्चों में ये ध्यान रखिए कि जब ये खाना खा ले तो थोड़ा सा खेलने के लिए दीजिए, तुरंत केज में मत बंद कीजिए, क्योंकि फिर ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और ये वीक रह जाएगी। जितना ज़्यादा खेलेगी उतना खाना इसके शरीर में लगेगा जाकर। दोस्तों ये देखिए इसको अभी इसके केज को बाहर रख दिया हूँ, ये दोपहर का खाना भी खा लिया अभी अप्रॉक्स, अभी मेरी अभी 11:30 बज रहा है और इसको केज में बांध दिया हूँ मैं। ये इसका वॉशरूम है, जब कभी भी इसको वॉशरूम जाना होता है तो ये इसके अंदर जाके कर लेती है। ये देखिए एक बार वॉशरूम करके भी रखी है, बॉल मैंने रख दी है, अपना खेलते रहेगी और ये एक कोने में पूरे प्रॉपर तरीके से बंधी हुई है ये। और बाहर का एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, अभी धूप है थोड़ा बहुत, तो उसे क्या होगा कि इसका टेम्परेचर मेंटेन है। अब देखिए इसको वॉशरूम करना है इसलिए ये बार बार जा रही है, 2-3 बार अंदर जाएगी उसके बाद देखिएगा,
पक्का ये कुछ ना कुछ करेगी। ये देखिए कर लिया इसने, वॉशरूम कर लिया, अभी बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने डॉग को सिखा सकते हैं, बहुत आसान कर देता है आपको अपने घर में डॉग रखना, क्योंकि ये इसी को पी एन पॉटी ट्रेनिंग बोलते हैं। आप एक प्रॉपर जगह उसको मार्क करवा दीजिए जहाँ पर वो जाके फ्रेश होगी, उससे आपको यहाँ इधर उधर बाहर में आपको साफ़ सफाई ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, जिससे कि आप इजीली इसको रख पाओगे। धीरे धीरे फिर इस ट्रे को बाथरूम में रखने लगे तो ये बाथरूम जाने लगेगा और धीरे धीरे फिर ये सीख जाएगी। दोस्तों अगर आप अपने घर में डॉग रखते हैं तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखिए अभी आराम से सो रही है, लेकिन देखिए इसका पेट कितना बाहर निकला हुआ है, ये इसका मतलब इसके पेट में गैस बन रहा है। तो अभी ये आज सुबह इसका डिवॉर्मिंग भी किया हूँ मैं, तो आपको पता होगा कि आज मैं आपको दिखाया था, इसलिए इसको तुरंत अभी डाइजिटॉन सिरप दे देते हैं। उससे क्या होगा कि ये इसका बॉडी फिर से रिकवर कर लेगा, डाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा इसका। इसको अच्छे से सेक कर लेते हैं और देखिए कितनी सुस्त हो गई है, जबकि ये ब्रीड इतना सुस्त होता नहीं है, मतलब गैस ही बना है इसे इसलिए ऐसा कर रही है। 1 ml मेडिसिन ले लेते हैं। ये आ जाओ इधर इधर जाओ रॉक्सी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर इधर बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सिट डाउन सिट डाउन। देखिए गैस बना है इसलिए इसका पेट देखिए कितना ज़्यादा निकला हुआ है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि जब आप डिवॉर्मिंग टैबलेट देते हैं ना, तो कई बार इसके पेट के अच्छे गुड बैक्टीरिया भी डेड हो जाते हैं, इसके लिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलो आ जाओ, ये देखिए आ जाओ आराम से आराम से। तो इसको मेडिसिन मैंने दे दिया है, देखिए इसका पेट धीरे धीरे लेकिन नॉर्मल हो जाएगा। चलो अब इसको भी 1-2 घंटे तक खाना नहीं देंगे, डायरेक्ट रात में आप खाना देंगे। चलो बैठ जाओ। दोस्तों ये देखिए अभी रॉक्सी किस तरीके से मम्मी के गोद में बैठकर एंजॉय कर रही है। अब ये दोपहर का टाइम है, लेकिन इसको हर हमेशा किसी न किसी के गोद की ज़रूरत पड़ती है, हर हमेशा ये किसी न किसी के साथ खेलते रहती है। ये खासियत होती है डॉग्स की। अब दोस्तों ये रात का टाइम है, अप्रॉक्स रात के 11 बज रहे हैं, और देखिए अभी किस तरीके से इसको रात में चिल्लाना तेज़ी से इससे शुरू कर दी और मम्मी से प्यार करवा रही है। देखिए पैर के पास मैं सो रहा था, लेकिन ये किसी और ने इस क्लिप को मतलब रिकॉर्ड करके रखा था, तो मैं सोचा इसे ब्लॉग में ऐड कर देता हूँ। ये देखिए किस तरीके से खुजली करवा रही है और आराम से चारों पैर ऊपर करके सो रही है। ये देखिए ये इसका बिस्तर है, क्योंकि फ्लोर मैट पे ही सोती है। इसको अगर मैं इसको केज में रख देता हूँ तो बहुत चिल्लाती है और फ्लोर मैट पर आने के लिए चाहती है। ये देखिए किस तरीके से अंगराई ले रही है। दोस्तों ये देखिए ये रात के अभी अप्रॉक्स 9:30 बज रहे हैं, और ये देखिए आज इसको भी मैंने स्वेटर पहना दिया है। इधर ये देखिए, और ये कहाँ सो रही है, सोफे पर चढ़ के सो रही है। सो जाओ, चलो चलो रॉक्सी, चलो इसको नीचे, पहले अभी तुरंत खाना खाइए, उसके बावजूद फिर से बिस्तर पे चली गई है। ये देखिए मैंने स्वेटर बनाया है इसका घर में ही, अब कल इसका स्वेटर कहीं से खरीद के मंगवाते हैं। आ जाओ इधर 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 बैठ जाओ बैठ। ये देखिए ये है इसके स्वेटर का फिटिंग, ये घर में ही ऊन पड़ा हुआ था, तो आज सुबह में इसका एक स्वेटर बना दी है मम्मी, और जैसे बन पाए कल इसकी सिलाई करवा देंगे यहाँ से, ताकि अभी इसका काम चला, क्योंकि जितना बॉडी में टच रहेगा उतना, क्योंकि इस साइज़ का भी स्वेटर खरीदने अगर जाते हैं तो ये 150 से 200 रुपये का मिलेगा, और ये फिर से 10 से 15 दिन में छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज़ बढ़ते जाएगा, हाइट बढ़ते जाएगा, जिस वजह से छोटा होते जाएगा। इसके लिए मैंने अभी टेम्प्रोरी जुगाड़ से इसका एक स्वेटर बनवा दिया है। तो दोस्तों बस आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही, आई होप आपको इस ब्लॉग में मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।